हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। स्पीडो में हम बात करने वाले हैं संजय बर कोलकाता बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर जो है आपको बतला दूँ, हर साल यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए कटअप्स आ जाती हैं। आपके भी अगर मार्क्स कम है तो अप्लाई मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको बता दूँ, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो इंडेक्स मार्क्स के बेसिस पे होगा। इंडेक्स मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे पहले जान लीजिए, इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश अगर आपके पास नहीं था तो आप एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर जो है एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर जानना ज़रूरी होगा आपको। एग्रीगेट मार्क्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इंग्लिश की जो भी आपकी मार्क्स होगी, मान लेते हैं 80 आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में, प्लस एनी थ्री सब्जेक्ट के आपको मार्क्स देने हैं, जिनमें हाईएस्ट होगा उसे ऐड कर दीजिएगा। म्यूजिक अगर आपका सब्जेक्ट है हाईएस्ट मार्क्स है तो उसे ऐड मत कीजिएगा, वो वैलिड नहीं है। यहाँ पर जो है एनी थ्री के मार्क्स आपको दे देने हैं सब्जेक्ट के, और उससे एग्रीगेट मार्क्स आपको पता चल जाएगा। अब जो है एग्रीगेट मार्क्स आपको पता चल गया, इंग्लिश के मार्क्स पता चल गए। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम 45% जो है आपके मार्क्स रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इंडेक्स मार्क्स आपको कैलकुलेट करना होगा 200 के यहाँ पर ओवरऑल आपके हो जाएंगे। कैसे, इंग्लिश में जो है ज़्यादा आपको वेटेज देखने को मिलती है। इंग्लिश में अगर आपका यहाँ पर 80 हो रहा है तो आउट ऑफ 100 आपका 80 यहाँ पर हो जाएगा। एग्रीगेट में परसेंटेज जो आप ऐड करके निकालेंगे इंग्लिश प्लस एग्रीगेट मार्क्स थ्री सब्जेक्ट के, उसमें मान लीजिए आपने 90 स्कोर करा तो आपका 90 यहाँ पर हो जाएगा। 200 में आपका स्कोर यहाँ पर 100 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 70 आपका स्कोर, तो वो जो है आपका यहाँ पर स्कोर हो जाने वाला है एग्रीगेट। और लास्ट ईयर की कटअप जो है अपलोडेड है, कटअप्स तो कम होगी इस पर, तो चांसेस है एडमिशन के आपके। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।